चलिए आप डालिए आज मैं टॉपिक। डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये लॉ ये है कि अल्फा का अगर अल्फा पार्टिकल एक्ट करेगा तो क्या होगा, उसका एटम नंबर दो कम होगा तो क्या होगा, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में दो चला जाएगा। अगर वो बीटा पार्टिकल एक्ट करेगा तो उसका एटम नंबर एक बढ़ेगा, वो पीरियोडिक टेबल में एक राइट साइड चला जाएगा। ये होता है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। हेडिंग डालिए ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ According to this law, when an alpha particle is emitted the daughter element has atomic number two unit less than that of the parent element, जिससे बनता है उसे parent element और जो बन रहा है नया उसको daughter element कहते हैं। It is displaced by two place to the left in the periodic table। यानी कि जब कोई अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो उसका एटॉमिक नंबर दो कम होता है, तो पीरियडिक टेबल में वो दो उसके जो यूनिट है दो स्थान वो लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस हो जाता है। अब आगे लिखिए when a beta particle is emitted the daughter element will have atomic number one unit more than that of parent element and will displace to next group
Next group, to the right in the periodic table, to the right in the periodic table. समझ आया? ये होता है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ कि अल्फा कण एमिट करेगा तो दो डिस्प्लेसमेंट दो यूनिट लेफ्ट में होगी, यानी दो एटॉमिक नंबर कम होंगे, और माइनस का बीटा कण निकालेगा तो क्या हुआ, एक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एक यूनिट राइट में डिस्प्लेस हो जाएगा. नेक्स्ट रीडिंग ना लो, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन देखो, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. कंसीडर ए एटम ए. A atom, capital A, changes to B. A, इसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है और ये चेंज हो गया B. इनिशियल मोड सब मान लें, इसके आपने पढ़ा हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री में ए है, और मान के चलो इसमें से एक्स आपके डिसइंटीग्रेट हो गए, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर डी एक्स अपॉन डी टी होगा प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आपके रिएक्टेंट के फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल होगा. dx upon dt, आप इसमें k या फिर कभी कभी ध्यान रखना lambda भी यूज कर सकते हैं, और रेडियोएक्टिव के लिए हम lambda भी यूज कर लेते हैं, k और lambda में कोई फर्क नहीं है इस जगह. dx upon k minus x k dt, दोनों और इंटीग्रेशन. माइनस का लॉग ए माइनस एक्स ए टी प्लस सी. एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड टी इक्वल टू जीरो हम वैल्यू ऑफ सी निकाले. माइनस का लॉग ए इक्वल टू सी, यानी सी की वैल्यू आ गई आपकी माइनस आपका माइनस का ln a माइनस x at माइनस का ln a का एक्सपान. इसको इधर ले आया नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग को
लॉग 10 में चेंज करेंगे तो 2.303 then k is equal to 2.303 upon t log a upon a minus x. समझ में आई? a हमारी इनिशियल मोल्स और a माइनस x एंड t यानी किसी भी समय पर. नोट करो इसको. Thank you.
एन आपके इनिशियल नंबर ऑफ एटम और एन टी नंबर ऑफ एटम ऑफ टाइम एट टाइम टी। अब देखेंगे हम हाफ लाइन हेडिंग डालिए हाफ लाइन हाफ लाइन होती है इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपनी इनिशियल मात्रा का आधार है होती है उसकी हाफ लाइन इक्वल टू टी वन बाई टू and x is equal to ay, k is equal to 2.303, यह आपके अप्लाई हो गई 0.693 अपॉन k। समझ आ गई? इसको भी डायरेक्ट लिखो, इसकी डेफिनेशन इसके बाद लिखो। So the time required for iski definition apply. So the time required for disintegration of one half of the initial amount. One half of the initial amount of radioactive substance is called half-life period. It is independent of It is independent of initial concentration. Thank you.
क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिएगा, द एक्टिविटी ऑफ सैंपल, द एक्टिविटी ऑफ सैंपल सल्फर 1635, द एक्टिविटी ऑफ सैंपल सल्फर 635 falls to 25% of initial value of initial value initial value after 174 days after 174 days what is the half life of this isotope what is the half life of this isotope nikali निकाल के दीजिए आंसर इसका
सर कितना आ रहा है इसका टोटल भी आ पा रही है 87 87 87.08 सर जब 25% टैक्स पे कम करते हो तो 50% कितना हो गया 50% तो सर 25% को रह गया है अच्छा 25% हो गया से पहले भी निकालते हैं देखिए हमें समझो इनिशियल वैल्यू इसमें हमने 100 माना उसके बाद 25% रह गया तो कितना रह गया वो माइनस एक्स हो गया 20 ये कट गया चार बार एक और क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कैलकुलेट द रेट ऑफ दिस इंटीग्रेशन कैलकुलेट द रेट ऑफ दिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट of a radioactive isotope the half-life for this isotope The half-life for this isotope is 5.2 years. Is it 5.2 years? Half-life of this for this isotope is 5.2 years.
बड़ा आप डेट डाल लेना थोड़ा यहाँ पर एडिंग है एवरेज लाइफ देखिए एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिफाइंड एज द टाइम in which all the radioactive substance is disintegrated. The average life is reciprocal. The average life is reciprocal of disintegration constant K. Average life is equal upon disintegrated constant. तो आप T A कह सकते हो T average वन अपॉन K.
प्रॉपर्टी वन बाय टू के साथ कनेक्शन करो ध्यान रखिए हाँ हमारे कुछ कारण सबको बता रहा हूँ आपको सबको बता रहा है फिर बताओ आज क्या करना चाहिए सर पूजा हो गई आज पूजा करके आए हो पूजा करके आए हो मतलब तो एक भी लग रहा है अब आपकी ये यूनिट से दो या तीन क्लास की यूनिट और